अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम। अच्छा, ये मेरा छोटा सा एक व्लॉग है जो मैंने रिसेंटली विज़िट किया था टर्की का। तो अनकारा गया था मैं इस्तांबुल से, बाय एयर डोमेस्टिक फ्लाइट थी। और अनकारा में वैसे काफ़ी इतनी घूमने फिरने की जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनित कबीर वहाँ पर है, जो टर्क्स के जो फादर हैं अतातुर्क, उनका मज़ार है वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। काइंडली अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो टर्की से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। बेसिकली मैं बाय एयर गया था इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट से, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मौसम आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन मौसम है इस टाइम, और इस टाइम हम अनकारा के बिल्कुल ऊपर लैंड करने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अनकारा का व्लॉग। अनकारा कैपिटल है बेसिकली टर्की का, और लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। लैंडिंग चेक कीजिएगा, लेडी पायलट फ्लाई कर रही थी प्लेन। मुझे लैंडिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि देख सकते हैं आप यानी कितना जंप किया जहाज़ ने, फर्स्ट टाइम जंप करके देन लैंड किया। आई थिंक पता नहीं किस तरह लैंडिंग करते हैं ये लोग, ऑटो पे किया होता है इन्होंने प्लेन। चलो प्लेन लैंड कर गया, जा रहा हूँ मैं लगेज की तरफ, एक बैग लेना है मुझे वहाँ से, एंड देन एग्ज़िट करेंगे। दिस इज़ एस्तांबुल एयरपोर्ट। अनकारा में इंतहाई ठंड होती है, और जिसे हम कहते हैं खुश्क सर्दी। हाँ जी, अनकारा पहुँच गए हैं और जा रहा हूँ मैं बैगेज क्लेम की तरफ, वहाँ से कैंट के लिए लेना है। खुश्क सर्दी होती है बेसिकली अनकारा में। तो एयरपोर्ट से निकल आए हैं हम। अच्छा, ये आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलेंगे आप सिटी सेंटर जाने के लिए, आपको वहाँ से आप बस ले सकते हैं, टैक्सी यूज़ ना करें। मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है, टैक्सी कभी भी यूज़ ना करें इस्तांबुल में भी एंड अनकारा में भी। टैक्सी कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि टैक्सी वाले जो होते हैं लॉन्ग रूट यूज़ करते हैं, और यानी अपने पैसे बनाने की करते हैं उसमें। दैट्स व्हाई मेरा आप लोगों को मशवरा यही है, यानी टैक्सी ना यूज़ करें कभी भी। बसेस होती हैं, अभी ये 10 लीरा की 10 टर्किश लीरा की एक टिकट ली थी मैंने सिटी सेंटर जाने के लिए। सिटी सेंटर बेसिकली दूर है काफ़ी अनकारा का, ये थोड़ा सा है सिटी सेंटर अनकारा एयरपोर्ट, एस्तांबुल एयरपोर्ट है, एस्तांबुल एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है यानी। और देख सकते हैं बस बड़ी स्मूथ चल रही है, ट्रैफिक इनकी लेफ्ट साइड पे होती है, देख सकते हैं आप, हमारे यानी बेसिकली पाकिस्तान में राइट साइड पे होती है, इसलिए हमें यानी टर्की में आगे थोड़ा सा नज़र आता है हमें चेंज ट्रैफिक का। अनकारा में लैंड हुआ था, टेम्परेचर था बेसिकली 3 to 4। मेरा मूड था वहाँ पे स्टे करने का, एक नाइट स्टे करने का था, और लेकिन ठंड बहुत थी, दैट्स वाई मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। ठंड काफ़ी थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया खुश्क सर्दी है वहाँ पर। अभी मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से एक दोस्त से मिलना है मुझे, टर्किश फ्रेंड है, देन वहाँ से हम मज़ार की तरफ जाएंगे, जो अतातुर्क का मज़ार है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें ज़रा, जो इनके वहाँ पर गार्ड्स होते हैं ड्यूटी पे,
ये डेली वहाँ पर इनका परेड वगैरह वाला सिस्टम होता है, यानी परेड करते रहते हैं ये वहाँ पर, और कुछ स्टिल भी खड़े रहते हैं वहाँ पर। दो तीन मैंने देखे गार्ड्स स्टिल थे। ये अंदर का व्यू देख रहे हैं आप, अंदर मैंने एक फ़ोटो ली थी। और अच्छा, बाहर गार्ड खड़े होते हैं स्टिल, यानी आप उनके साथ फ़ोटो नहीं बनवा सकते, यानी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स व्हाई मैंने उनके साथ फ़ोटो नहीं बनाई। बेसिकली वो मूवमेंट नहीं कर सकते अपनी, यानी अगर उन्हें कुछ चाहिए या उनका कुछ ख़राब हो गया ड्रेस, तो साथ एक और गार्ड होगा, वो आएगा, वो उसका सेट करेगा, यानी जो स्टिल गार्ड है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा वहाँ से। अच्छा, ये बार के मनाजिर देख रहे हैं आप, और मौसम इंतहाई खूबसूरत है। सामने जो मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये अनित कबीर है। रश इतना नहीं है इस टाइम, रश इस टाइम इतना नहीं है। अच्छा, वो सामने देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री है म्यूज़ियम की, इसके राइट साइड पर एंट्री है म्यूज़ियम की। आप नीचे जाते हैं, म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, यानी सारी हिस्ट्री है टर्की की, और ऊपर कब्र है, यानी वो देखें सामने एंट्री है, यहाँ से आप म्यूज़ियम में एंट्री करते हैं, और बिल्कुल फ्री है यानी। और टर्की के फ्लैग्स हैं, की चेन्स हैं वहाँ पे नीचे शॉप्स वगैरह में, यानी परचेज कर सकते हैं आप। अच्छा, नॉर्मली आज इतना रश नहीं है वैसे, क्योंकि आज इनका कोई नेशनल डे नहीं है। मेरा दोस्त बता रहा है कि नेशनल डे पे काफ़ी रश होता है यहाँ पे। तो विज़िट ख़त्म हुआ, और अभी इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे वापसी इस्तांबुल के लिए। ये ड्यूटी फ्री की शॉप्स हैं अनकरा इस्तांबुल पे। अच्छा, इतना रश देखने को नहीं मिला मुझे जितना बेसिकली इस्तांबुल पर रश होता है, यानी काफ़ी एयरपोर्ट पर। तो ये ज़रा रिलैक्स नज़र आ रहा था, ये काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहा है। अच्छा, बोर्डिंग भी मैंने अपनी करवा ली थी, और इस्तांबुल में जब मैं आया, इस्तांबुल में थोड़ा सा इजी फील किया मौसम के हवाले से, मौसम काफ़ी अच्छा था इस्तांबुल में। और टाइम हम देख रहे हैं रियल व्यू इस्तांबुल का, चैनल को फॉलो अप करते रहें, अपडेट्स वगैरह मैं देता रहूँगा। और कोई टर्की से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके तो काइंडली कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट कीजिए मुझे। किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट में कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली शेयर भी कीजिए इसको अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में।
और जी लैंडिंग देख सकते हैं, बड़ी बेहतरीन लैंडिंग हुई है अभी, मज़ा आ गया। चलें, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।